शाश्वत जैन धर्म की सार्थकता दक्षिण भारत से है, ऐसा भद्रबाहु स्वामी जी ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा देखे गए स्वप्न के अर्थ में बताया था। यहां चामुंडा राय की मां के इस स्वप्न द्वारा भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा स्थापित हुई। धर सेनाचारी जी के इस स्वप्न को पुष्पदंत भूतबली जी द्वारा षड्खंडागम महान ग्रंथ रचना के माध्यम से पूर्ण किया गया, जो आज जैनों की काशी मूढ़बद्री में सुरक्षित है। और आज गुरु परंपरा का बीजारोपण करने वाले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी की अद्भुत शक्ति के माध्यम से संपूर्ण जैन समाज को जीवंत करने का स्वप्न मुनि प्रणाम सागर जी ने देखा है। इस गुरु परंपरा का दिव्य दर्शन पिच्छी आकार गुरु मंदिर के रूप में संपूर्ण जगत को होगा, तभी यह कर्नाटक की धरा देव शास्त्र गुरु परंपरा से परिचित होगी। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सिंह, तीन काल के मुनीवरा, वंदो लोक प्रसिद्ध। अलौकिक अनुभूतियों की पुण्य भूमि है। अनादिकाल से हमारे देश में ऐसे कई वीतरागी महासंतों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्तियों से मानव जीवन के कष्टों का हरण किया है। जब हम पूरे आध्यात्मिक परिदृश्य पर दृष्टि डालते हैं तो हमें कर्नाटक की धरा पर जन्मे दिगंबर जैन संत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का सहज ही स्मरण हो आता है। महाराज श्री एक अद्भुत संत थे जिनका जीवन कठोर तपश्चर्या और सांसारिक बंधनों से मुक्त था। आज उनके प्रबल पुरुषार्थ के प्रभाव से संपूर्ण भारत में दिगंबर साधुओं का पदविहार हो रहा है। पूरे देश में उनके चमत्कारों और अमृत वचनों की चर्चा होती रहती है। वो कहते थे, धर्म पर अविचल श्रद्धा धारण करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परम तप है। शास्त्र के अभ्यास से आत्मा का कल्याण होता है। गरीब लोग शास्त्र नहीं खरीद सकते, उनको शास्त्रों का दान करो। शास्त्र दान में महान पुण्य है। धर्म का रक्षण करो, समाज का रक्षण करो और साधु संतों का भी रक्षण करो। आचार्य श्री शांति सागर जी ने 36 दिन पर्यंत आहार और जल का परित्याग कर उच्च अहिंसा की साधना हेतु कुंथलगिरी की जैन तपोभूमि में 18 सितंबर 1955 की प्रातः बेला में महासमाधि ली।
महासमाधि के उपरांत देश के कई श्रावकों एवं संतों को ब्रह्मलीन आचार्य चारित्र चक्रवर्ती महाआचार्य श्री शांति सागर जी की कृपा और आशीर्वाद की अनुभूतियां हुई हैं। युवा संत, दार्शनिक एवं चिंतक मुनि प्रणाम सागर जी भी अपने आप को आचार्य शांति सागर जी का कृपा पात्र मानते हैं। जब मैं 61 दिन की मौन साधना कागतीपुरा क्षेत्र में कर रहा था, अचानक हमारे माइंड में आचार्य शांति सागर जी की छवि अग्रसित हुई। मैं उसमें डूबता चला गया। मैंने सोचा, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, कभी उनके पास नहीं पहुंचा, कभी उनके तीर्थों पर भी जाकर के मैंने वंदन नहीं किया, आज वो मेरी छवि आंखों में क्यों बस रही है? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और विहार करता चला गया। ना जाने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाया और कदम दर कदम आगे बढ़ता चला गया। यात्रा के लिए सभी निकलते हैं, कोई ज्ञान, धन, परिवार और व्यापार को माध्यम बनाकर अपना सफर तय करते हैं, लेकिन एक संत मन में आध्यात्मिक पीड़ा लिए हुए उस पवित्र भूमि की तरफ चल पड़ा जहां शांति सागर जी ने अपने दिगंबरत्व को तुम जीवंत माता किया। तुम ही पिता, तुम सजन सुखदान, तुम समान इस लोक में और नहीं भगवान। फंसा हुआ था उस बंधन में जहां से कोई न पार हुआ, गुरु ने आकर हाथ बढ़ाया, मुझे वहां से उठा लिया। इन गुरुवर की अनुकृपा से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाता हूँ। लेकिन एक संत चारित्र के माध्यम से धर्म को चरितार्थ करने अनायास श्रावकों के पुण्य प्रभाव से 2000 किलोमीटर से ज्यादा उत्तर भारत से विहार करते हुए मुनि प्रणाम सागर जी का कर्नाटक की धरा पर शुभागमन हुआ। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवझायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, एसो पंचण मुक्कारो सब पाव पणासणो। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पहुंच गया, महाराष्ट्र से सीधा कर्नाटक। लोग सोच में डूब गए, कैसे संत हैं जहां कोई भाषा की समस्या आके खड़ी हो जाती है, जहां ना समाज हमें जानती थी ना मैं समाज को जानता था। लोगों ने सोचा गौमटेश्वर चातुर्मास करूंगा, गौमटेश्वर से निकल के आ गया। भगवान बाहुबली स्वामी दर्शनार्थ वो वर्षा योग के भाव बने, लेकिन चरित्र की पराकाष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए एकांतवास का अभाव या इसकी अभिवृद्धि के लिए अपने में मगन होकर मुनिश्री प्रणाम सागर जी निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि चारित्र चक्रवर्ती
शांति सागर जी का साधना स्थल मंदारगिरी पर्वत उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। वो शुभ दिन 15 जुलाई 2012 को आ गया। मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र के पर्वत पर स्थित जैन मंदिर के दर्शन कर मुनिश्री को काफी संतोष भाव प्राप्त हुआ। दीपक उनका, रोशनी उनकी जल रहा हूं मैं, रास्ते उनके सहारे उनके चल रहा हूं मैं। दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, कृपा दृष्टि की आस नहीं, विराट की बाट मोही शिशु बन रहूं गुरु के पास, शिशु बन रहूं गुरु के पास। शांति सागर ने मुझे यहाँ मौन साधना करने के लिए प्रेरित किया है। शायद कुछ अपने अंदर की भावनाएं हमारे भीतर रखना चाहते हैं, जो मैं समाज के सामने रखकर जैन समाज के विकास की बात कर सकूं। मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र के पर्वत पर स्थित भगवान के दर्शन कर मुनिश्री को काफी संतोष भाव प्राप्त हुआ। शाम तक सभी श्रावकों को आशीर्वाद प्रदान किया एवं संध्या बेला में पर्वत पर 61 दिवसीय मौन साधना का संकल्प लिया। लेकिन गुरु के वचनों को न पाकर मुनि प्रणाम सागर जी आचार्य श्री शांति सागर जी का ध्यान करते हुए मौन साधना में लीन हो गए। और एक चमत्कारिक घटना घटी। यदि तुम मेरी शरण चाहते हो तो यहां से उठो, जरा थोड़ी दूर पर देखो तो सही, वहां पर मेरे चरण अंकित है। मैं वहीं पर बैठकर ध्यान करता था। शीतल स्वभाव गुरु तेरा, निज स्वरूप का भान हुआ, शीतलता चरणों में पाकर मुझको ये सदज्ञान हुआ, मुझको ये सदज्ञान हुआ। संत जो दुनिया में नहीं मिलता वो ऐसी चीज देते हैं जो धर्म परंपरा गुरु आशीर्वाद से जीवंत है। इसकी साक्षात अनुभूति समस्त आचार्य वृंद एवं आचार्य पुष्पदंत सागर जी के परम आशीर्वाद से आचार्य श्री शांति सागर जी गुरु मंदिर की प्रबल भावना मुनि श्री प्रणाम सागर जी के मानस में जागृत हुई।
61 दिन की मौन साधना में जब मंदारगिरी पर्वत पर बैठा हुआ था, बैठे बैठे एकदम अचानक मुस्कुराते हुए आचार्य शांति सागर जी की छवि हमारे सामने आई। मैं गदगद हो गया और मैंने सोचा इतने सारे संत हैं और मैं तो बहुत छोटा सा साधु हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था कि शांति सागर जी ने मुझ जैसे छोटे से साधु को अपने लायक समझा। जैसे मैंने पूरी साधना की और साधना की छवि शांति सागर के चरणों में मैंने देखी, जो चरण आज तक समाज से अनजाने थे वो चरण मैंने स्वयं अपनी आँखों से शांति सागर जी के सामने देखकर मैं गदगद हुआ, लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। पिच्छी कमंडल और शास्त्र दिगंबरत्व की पहचान है। तुम पिच्छी स्वरूपाकार का गुरु मंदिर निर्माण करो। मैं अपने भक्तों और श्रावकों का कल्याण करूंगा और उनके कष्टों को दूर करूंगा। जहां मेरी जीवंतता सदैव बनी रहेगी। 61 दिन की कठिन मौन साधना के पश्चात शांति सागर जी की प्रेरणा से मुनि श्री प्रणाम सागर जी ने जैन समाज के सामने पिच्छी आकार स्वरूप गुरु मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। संपूर्ण जैन समाज में खुशियों की लहर दौड़ गई। देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, लेके अमृत कलश वो खड़ा है। जागो रे सोने वाले, खोल तेरे मन के तू द्वार, पावरे खोल तेरे मन के तू द्वार, नक
द्वार तेरे जीवन का सार, देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, लेके अमृत कलश वो खड़ा है। जागो रे सोने वाले, खोल तेरे मन के तू द्वार, बावरे खोल तेरे मन के तू द्वार, खोल तेरे मन के तू द्वार, बावरे खोल तेरे मन के तू द्वार, देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, लेके अमृत कलश वो खड़ा है। जागुरे साल पहले पाया सागर जी मुनि महाराज ने इसको रिनोवेटेड किया है, और 2007 में तुमकुर में जो चतुर्मास हुआ प्रमुख सागर जी महाराज जी के से, उस समय ये क्षेत्र चंद्रप्रभु तीर्थंकर का प्रतिष्ठापन हुआ और इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार का चालू हुआ। और प्रणाम सागर जी महाराज जी का 2012 में चतुर्मास तुमकुर में हुआ और इस मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर 61 दिन का मौन रोध से भक्तामर स्तोत्र आराधन का कार्यक्रम चला। हर समाज को महात्माओं के तप, त्याग और साधना से पहचान मिली है। दिगंबर जैन समाज को जन जागरण के माध्यम से जीवंतता प्रदान करने वाले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी हैं। इनके प्रभाव से ही संपूर्ण भारत में दिगंबर साधुओं का विहार और प्रभाव देखा जा रहा है। इस गुरु परंपरा की अक्षुण पहचान बनाने के लिए देव शास्त्र के साथ गुरु मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसकी ऊंचाई 64 फीट होगी। इसी स्थान पर आचार्य शांति सागर जी महाराज की आशीर्वाद स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी होने जा रहा है। अतः प्रणाम सागर जी की ये भावना है कि शांति सागर जी के गुरु मंदिर के प्रति समर्पित होकर अधिक से अधिक लोग आस्था पुंज समर्पित करें। मौनी बाबा के रूप में मुनि श्री प्रणाम सागर जी ने एमकॉम तथा भगवान महावीर के आर्थिक सिद्धांत पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। आपकी दीक्षा गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के द्वारा हुई है। वर्तमान में मुनि प्रणाम सागर जी ने मंदारगिरी तीर्थ के विकास को अपनी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रखा है। गुरु मंदिर एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अलावा श्री प्रमुख सागर जी द्वारा मंदारगिरी में किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री ये भी मानते हैं कि नई पीढ़ी के कल्याण और उसके जीवन में शांति के विस्तार के लिए आचार्य शांति सागर जी की गुरु परंपरा में निर्मित होने वाले इस महान और विश्व प्रसिद्ध गुरु मंदिर आध्यात्मिक केंद्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। मंदारगिरी तीर्थ एक प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए मैसूर से 150 किलोमीटर, श्रवण बेलगोला से 130 किलोमीटर और बैंगलोर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदारगिरी तीर्थ पहुंचने के लिए आपको सर्वप्रथम बैंगलोर आना पड़ेगा, जहां से मंदारगिरी तीर्थ रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। गुरु के बिना समाज अधूरा है और गुरु का आशीर्वाद हर श्रावक चाहता है, तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा कैसे मिले, उसके लिए आचार्य शांति सागर जी की बड़ी कृपा सभी लोगों पर बरसेगी। ऐसा है हमारा पीछे आकार गुरु मंदिर, यहाँ पर आओगे शांति सागर जी का आशीर्वाद
प्रसाद के रूप में पाकर जाओगे। और मुझे तो ऐसा लगता है जो इस शांति सागर जी की पीछे पर एक रक्षा सूत्र बांध कर जाएगा, उसकी मनोकामनाएं शांति सागर जी अपने आप पूरी करते चले जाएंगे। क्योंकि शांति सागर ने ना जाने पहले कितने जीवों का कल्याण किया है, लेकिन आज वो आत्मा जहाँ पर भी है, वह आत्मा इस पीछे के आकार के अंदर समाहित होकर के सभी जीवों का कल्याण कर सकती है। कई बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग अपाहिज और अपंग होते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन इसकी पीड़ा दूर करने वाले हैं आचार्य शांति सागर। देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, लेके अमृत कलश वो खड़ा है। जागो रे सोने वाले, खोल तेरे मन के तू द्वार, पावरे खोल तेरे मन के तू द्वार। अब जागे